एवरीवन, दिस इज डॉक्टर कृष्ण. आई एम कंसल्टेंट हेड एंड नेक सर्जन बेस्ड इन दिल्ली. आई एम को कन्वीनर एट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन. आज हम बात करेंगे कि लास्ट 15 डेज में आपके MD MS या DNB एग्जाम की रिवीजन कैसे करें. बेसिकली ENT बिंग अ सर्जिकल ब्रांच, और सर्जिकल ब्रांच में भी ENT की एनेटॉमी काफ़ी डाइवर्स होती है, काफ़ी कुछ होता है, तो रिवीजन इज़ वेरी डिफिकल्ट. और आपको रिवाइज नहीं तो एग्जाम में एग्जैक्टली प्रेजेंट करना या ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द यूजफुल कंटेंट या यूजफुल रिलेवेंट पॉइंट्स प्रेजेंट करना बहुत डिफिकल्ट है. तो आप कैसे रिवीजन करो, क्या सोर्स यूज़ करो. नो डाउट सभी अपने MS के टाइम स्कॉट पढ़ते हैं, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए ऑटोलॉजी के लिए संभव पढ़ते हैं. सो पढ़ते स्टैंडर्ड बुक्स है, लेकिन उनको याद रखना बहुत मुश्किल है. सो क्या रिवीजन के लिए यूज़ करें, तो एक तो अगर आपने नोट्स बनाया, अगर बनाया है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सबको नोट्स बनाना है, क्योंकि नोट्स बनाना इज़ नॉट ईजी. ठीक है, आप पढ़ लो नोट्स, ठीक है, बना ले तो अच्छा है, नहीं बनाते तो कोई बात नहीं, अपने बुक में ही मार्क कर दो जहाँ. लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर नोट्स हैं, दैट विल बी वेरी यूजफुल. बहुत बहुत अच्छे अच्छे यूजफुल सोर्सेज हैं. मलेकर के नोट्स होते हैं, पुलकित अग्रवाल होता है, पुलकित अग्रवाल इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल. अगर आपको MS एग्जाम देना है, DNB एग्जाम देना है, बहुत अच्छा सोर्स है. था वो भी इतना ईजी नहीं है रिवाइज करना, 15 डेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप यूजफुल टॉपिक्स उससे एटलीस्ट रिवाइज कर सकते हो. दैट विल बी कम्प्रहेंसिव. आप कोई भी क्वेश्चन आए, कोई नया क्वेश्चन भी आए उससे रिलेटेड, आप उसमें लिख सकते हो, जिसमें आपको एटलीस्ट 50% ऑफ द मार्क्स मिल जाएगा, पास हो जाओगे DNB में, और MS में उससे बेटर मार्क्स मिल जाएगा. तो ये चीज़ है. इसके साथ साथ एक JP पब्लिशर्स की एल्गोरिथम वाली बुक आती है, उसमें मैनेजमेंट बताता है ये करेंगे, इसके बाद ये ऐसा आएगा रिपोर्ट्स एंड ऑल. वो भी बहुत यूजफुल है रिविजन के लिए. इसके साथ साथ स्कॉट की पॉकेट बुक आती है, हर मेजर बुक, जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनकी पॉकेट बुक आते हैं. तो स्कॉट की पॉकेट बुक आप ले लीजिए, उससे टेबल्स पढ़ जाइए. दैट इज़ यूजफुल, मोर देन इनफ. यूट्यूब पे सुजाता मैम के वीडियोस हैं, जो आप कुछ टॉपिक्स बहुत वोलेटाइल है, जैसे स्टेजिंग बहुत डिफिकल्ट है, या फिर जैसे कि अप्रोचेस टू द ये पैराफ्रेंजियल रीजन, ये सब थोड़ा वोलेटाइल टॉपिक है. ये क्विकली रिवाइज करना है उनके ड्यूरिंग लंच डिनर, जो लास्ट 15 डेज में आप करते हो, लंच डिनर के टाइम आप देख सकते हो, या ट्रैवल कर रहे हो तो देख सकते हो. तो वो बहुत क्विकली आपको रिवाइज करने में हेल्प करेगा. सारे अप्रोचेस, फेरेंजियल एरिया के, ऐसे और भी वोलेटाइल टॉपिक्स होते हैं, GNA की स्टेजिंग, या फिर CA लैरिंग्स में स्टेजिंग, सुप्राग्लॉटिक, सबग्लॉटिक्स और ग्लॉटिक स्टेजिंग, जो अलग अलग होता है, बेसिकली T1 T2 वाला, N वाला तो सेम रहता है. तो ये सब जो चीज़ है बहुत वोलेटाइल है, और आपको बहुत ज़्यादा सोचने पड़ा, ऐसा नहीं कि 10 किताबों से पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है. पहले तो किताब कैरी करना ही मुश्किल होता है DNB एग्जाम में. जैसे आपके कईयों के सेंटर्स अपने DNB इंस्टीट्यूट से अदर सिटीज़ में होते हैं, बुक्स कैरी करके जाना, तो आप बस 3-4 चीज़, पुलकित अग्रवाल के बाद एल्गोरिथम वाली JP की बुक्स, ग्रीन कलर की बुक आती है, और तीसरी क्या है आपको बताया है कि स्कॉट की पॉकेट बुक आती है, 2 वॉल्यूम में आती है, वो आप यूज़ कर सकते हो. तो इसके साथ साथ सिंपल डायग्राम्स के लिए आप कोई भी एक सोर्स, जहाँ आपको लगे कि ये डायग्राम, मैं डायग्राम, जैसे मेरी डायग्राम बहुत ख़राब थी, मुझे डायग्राम बनाना उतना अच्छा आता नहीं था, तो मैंने डायग्राम्स के लिए मोहन बंसल बुक है, एक बेसिकली मोहन बंसल की बुक में बहुत सिंपल डायग्राम्स दिए हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो. तो दीज आर 3-4 सोर्सेज जो आप लास्ट 15-20 डेज, और मैं 15 दिन का ही बता रहा हूँ, कि कोई 15 दिन से पहले पढ़ता नहीं है, या पढ़ता है तो मतलब उतना मोटिवेटेड होकर नहीं पढ़ता, लास्ट 15 दिन में ही पढ़ते हैं लोग, चाहे DNB एग्जाम हो, चाहे MS. तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल.